चमोली में अभिभावकों ने चार सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल राजकीय इंटर कॉलेज में विभिन्न विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति और यातायात व्यवस्था सुचारू करने समेत भूदशाओं को रोकने संबंधित मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल जारी करने की चेतावनी दी है। चमोली से संवाददाता नीरज कंडारी की रिपोर्ट। और मैं पहले भी यहाँ पर कई बार संघर्ष कर चुका हूँ और कई बार शासन प्रशासन को अपने माध्यम से या क्षेत्रीय जनता के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से भी को भी अवगत कराया, मुख्यमंत्री से मिले, शिक्षा मंत्री जी से मिले और मजबूरन हमको जब हमारी मांगों पे कोई सुनवाई नहीं हुई, मजबूरन हमको आज ये कदम उठाना पड़ा है, भूख हड़ताल जैसा कदम उठाना पड़ा है और हम बाध्य हैं। बच्चों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए हमें ये कदम उठाना पड़ा। मेरा क्षेत्रीय जनता से अनुरोध है कि इसका राजनीतिकरण न करें। शिक्षकों की कमी को देखते हुए जन आंदोलन 16/8/2022 से कर्मी अनशन पर रहे और आज 20/8/2022 से और अनशन पर चले गए हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे।